वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी उबालकर। ये मैंने कटहल को काट के वॉश करके और मैंने कुकर में रख लिया है और इसको मैं पहले थोड़ा सा बॉईल करूँगी और इसको मैंने मस्टर्ड ऑयल को हैंड में लगाकर उसके बाद इसको काटा है, जिससे यह हाथ में उसका जो गूंद होता है वो नहीं चिपकता। तो इसको मैं बॉईल करूँगी, उसके बाद बनाते हैं फ्रेंड्स इसकी सब्जी। ये कटहल देखिए हमारा बॉईल हो चुका है। इसको हमने 50% ही बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम तड़का लगाएंगे तो इसमें भी ये थोड़ा सा पक जाएगा। लाल मिर्ची और तेज़पात पत्ता, काली मिर्ची, जीरा और ये दालचीनी और ये है जायफल और छोटी इलायची। अगर आपके पास बड़ी इलायची हो तो आप वो लीजिए फ्रेंड्स। और इसमें डालेंगे हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची और प्याज और टमाटर। ये फ्रेंड्स हम ग्रेवी के लिए लिए हैं। यहाँ तेल को गर्म कर लिया, उसके बाद खड़े मसाले ऐड किए हैं मैंने, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डाल रही हूँ अब मैं। और उसमें मैंने लाल मिर्ची है जो वो भी ऐड कर दी थी। सब कुछ गोल्डन ब्राउन होने के बाद में ऑनियन है जो ऐड किए हैं, इसको हम चलाएंगे धीरे धीरे। और फ्रेंड्स इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ऑनियन अपने। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटो जो हमने रफली चॉप करके रखे थे। और टमाटो को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे और मिक्स कर देंगे आपस में। देखिए इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे और फिर इसके बाद इसको चलाते रहिए ताकि ये कहीं पैन में लग ना जाए। धनिया पाउडर, धनिया के बाद डालेंगे हम ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ग्रीन चिली और खड़ी मिर्च ऐड है इसलिए, और ये गरम मसाला डाल रहे हैं हम। सारे मसाले हैं जो ऐड हो चुके हैं। ये डालेंगे नमक, और नमक थोड़ा सा कम ही डालिए क्योंकि पहले भी थोड़ा सा हमने नमक डाला है जब प्याज टमाटर डाले थे तब। और आपस में इसको मिक्स कर देंगे जी। बना और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जब ये ग्रेवी है जो पक जाए, हमारे मसाले अच्छी तरह से इसमें पक जाएं और मिक्स हो जाएं। इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी डालने के बाद देखिए सारा पानी सूख चुका है। अब ये हमारा मसाला है बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। ये देखिए मसाला है जो हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है बिल्कुल मसाले से, तो इट मीन्स हमारा मसाला है जो बिल्कुल पक गया है, रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें अपना कटहल जो बॉईल करके रखा था उसको ऐड करेंगे। इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है कटहल ग्रेवी में, मसाले में हमारे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि जो इसमें अच्छी तरह से सूख ले मसाला पूरा कटहल में। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और इसको ढककर थोड़ा सा पकाएंगे। 2 मिनट तक सिर्फ पकाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स अपनी सब्जी है जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी सब्जी देखिए बनके बिल्कुल तैयार है और देखिए दिखने में कितनी स्वादिष्ट है। और इसको आप, मैंने सूखी सब्जी बनाई है तो फ्रेंड्स इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ और पूड़ी के साथ खाइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय।